हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आप सभी को पता है कि इसमें हमने प्रीवियस क्लास से जो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था हमारा ट्रायल बैलेंस का। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायल बैलेंस के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो स्टूडेंट, आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का ए पार्ट। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले जब हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है तो हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। जब हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे तो वो होगा नेम ऑफ अकाउंट्स। वो क्या होगा? नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। उसके बाद लेजर फोलियो हो जाएगा, उसके बाद बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर होगा, ठीक है ना जी। हम लिख लेंगे नेम ऑफ अकाउंट। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट के बाद हमारा सेकेंड कॉलम होगा लेजर फोलियो। क्या होगा? नेम ऑफ अकाउंट, सेकंड हमारा कॉलम होगा लेजर फोलियो, नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा बैलेंस डेबिट, ओके, और नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा बैलेंस क्रेडिट। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया। वो फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में सबसे पहले हमें दिया गया, ऊपर कहा गया कि हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है। ईयर एंडिंग हमारा ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2017 में। तो हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है जिसमें हमारा जो ईयर एंड हुआ है, ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2017 में। ओके, ईयर कब एंड हुआ? 31 मार्च 2017 में हमारा ईयर एंड हुआ। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट कीजिए। हमें सबसे पहले स्टॉक दिया गया 1 अप्रैल 2016 में, क्योंकि मेरा ईयर 31 मार्च 2017 में एंड हुआ। तो ये मेरा जो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2016 में, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। और मैंने कल भी बताया था कि ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना क्वेश्चन में यहां पर, क्योंकि ये स्टॉक हमें ओपनिंग दिया गया है तो हमने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट में हमने नोट कर लिया 28,800 रुपीज, क्योंकि स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है, इसलिए हमने असेट्स का बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 28,800 रुपीज। नेक्स्ट फोकस करते हैं परचेसेस। आपको कल भी बताया था कि परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे। तो इस कारण से हमने नेम ऑफ अकाउंट हो गया परचेसेस। नेम ऑफ अकाउंट हमारा क्या हो गया? नेम ऑफ अकाउंट हो गया हमारा परचेसेस, और इसे हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है 82,000 रुपीज। यहां तक करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें सेल्स दी गई। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और आपको पता है कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसी कारण से आपके नेम ऑफ अकाउंट तो है सेल्स, तो आपने लिखा यहां पर भी परचेस अकाउंट लिख दीजिए, यहां पर हमने लिखा सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है। तो जाकर इनकम को क्रेडिट में नोट कर दीजिए 1,60,000 रुपीज। ओके, तो सेल्स हमारी हो गई 1,60,000 रुपीज। इसके बाद हमसे कहा गया वेजेस। वेजेस वेजेस दी गई है 16,160।
देखिए वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, हमने वेजेस दी, जब हम वेजेस देंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जब हम वेजेस देंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, तो हमने लिख लिया वेजेस अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, तो हमने डेबिट में लिख दिया 16160। ओके, क्योंकि वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, तो हमने डेबिट में लिख दिया वेजेस अकाउंट 16160। ओके, इसके बाद फोकस कीजिए सैलरीज दी गई है। ओके, हमने यहां पर लिखा सैलरीज। ओके, सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंसेस होती हैं। सैलरी हमारे लिए क्या है? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, तो हमने डेबिट में लिख दिया 6400 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक तो, है ना? तो वेजेस और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने एक्सपेंसेस में शो कर दिया। नेक्स्ट हमें बताया गया रिपेयर चार्जेस। देखिए रिपेयर चार्जेस का मतलब हमने किसी चीज की रिपेयर कराई, उसके लिए हमने पैसा दिया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं? डेबिट में। तो अब हमने क्या किया? हमने लिखा यहां पर रिपेयर चार्जेस। ओके, रिपेयर चार्जेस अकाउंट, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमने लिखा रिपेयर चार्जेस अकाउंट एक्सपेंसेस है, तो जाकर डेबिट में 500 रुपीज लिख दीजिए और यहां पर डैश लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट दिया गया है कमीशन रिसीव। देखिएगा कमीशन, हमने कमीशन रिसीव किया, यदि हम कमीशन रिसीव करें तो ये हमारे लिए इनकम है, और यदि हम कमीशन पे करें दें तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो यदि हम कमीशन रिसीव करें तो ये हमारे लिए इनकम है, और यदि हम कमीशन पे करें तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब हमने यहां पर कमीशन रिसीव किया तो ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए क्या है? इनकम, और इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहां पर लिखा कमीशन रिसीव। हमने यहां पर क्या लिखा? कमीशन रिसीव, हमने लिख दिया कमीशन रिसीव। जब हमने कमीशन रिसीव किया तो ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो जाकर क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 800 रुपीज। ओके, इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें ये कहा गया सन्ड्री डेटर्स। देखिए डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, डेटर्स जो होंगे वो हमारे लिए क्या होती है? वो हमारे लिए असेट्स होती है, और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो आप लिख देंगे यहां पर डेटर्स। आप क्या लिख देंगे यहां पर? डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर आप 24,200 रुपीज लिख दीजिए, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए क्या होती है? डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर आप लिख दीजिए 24,200 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। अब हमें दिया गया क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप लिखिएगा यहां पर क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाकर लिख दीजिए 7,300 रुपीज। ओके, तो क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में जाकर हमने क्रेडिट लिख दिया 7,300 रुपीज। नेक्स्ट हमें जो ट्रांजेक्शन दिया गया है वो ट्रांजेक्शन दिया गया है कैपिटल। देखिए कैपिटल वो होती है जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल वो होती है जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ओके,
तो इसे हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं और लाइबिलिटीज हमारे का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसलिए आप कैपिटल जब लिखेंगे तो कैपिटल के अमाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जाकर लिख दीजिए 90,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। तो कैपिटल क्रेडिट साइड में जाकर आपने कितना शो कर दिया, 90,000 रुपीज। यहां तक आपके बात क्लियर है? ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है ड्रॉइंग्स। देखिए जो ड्रॉइंग्स होती है, ड्रॉइंग का मतलब है हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। इसी कारण से नेम ऑफ अकाउंट तो हुआ हमारा ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जाकर इसको डेबिट में लिख दीजिए 4,400 रुपीज। इतनी बात, कोई दिक्कत आप सभी को? नहीं, इधर से हमारा फोर फिल हो गया, तो मैं यहां पर दोबारा से ये फॉर्मेट भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना जी, तो ये मेरा फॉर्मेट होगा वही नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और एट द एंड बैलेंस क्रेडिट। ठीक है जी, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ड्रॉइंग्स तक के मेरे सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिटर्न इनवॉल। देखिएगा रिटर्न इनवॉल को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवॉल क्या होगा हमारे लिए? रिटर्न इनवॉल को हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं नेम ऑफ अकाउंट में रिटर्न इनवॉल। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसमें जाकर लिख लिया रिटर्न इनवॉल। ओके, तो जब मैंने रिटर्न इनवॉल लिखा तो ये मेरी सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स मेरे लिए क्या होती है? इनकम। ठीक है, तो सेल्स मेरे लिए इनकम है, तो जब सेल्स रिटर्न हुआ तो मेरी इनकम कम हो गई। ठीक है, जब मेरी इनकम कम हुई तो मुझे इसे डेबिट में लिखना होगा। ठीक है ना, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट में लिखेंगे 7,500 रुपीज। तो रिटर्न इनवॉल को हम कहां लिखेंगे? रिटर्न इनवॉल हमारा सेल्स रिटर्न है, इसे हमने डेबिट में नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया रिटर्न आउटवर्ड। देखिए रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न, क्योंकि पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट में परचेस रिटर्न ये लिख देता हूं रिटर्न आउटवर्ड। ओके, तो मैंने यहां पर लिख लिया रिटर्न आउटवर्ड, कोई दिक्कत? तो ये लिख लिया मैंने रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न होता है। परचेस मेरे लिए एक्सपेंसिव है, परचेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो जब परचेस रिटर्न हुआ तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो गए, रिड्यूस हो गए। तो जब परचेस को डेबिट करते हैं, जब मेरे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए तो परचेस रिटर्न को मैं जाकर क्रेडिट में फील करूंगा 5,600 रुपीज। तो ये रिटर्न आउटवर्ड को हम क्रेडिट में नोट करेंगे। ओके, इसके बाद हमें दिया गया है कैरिज इनवॉल्व। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अब मेरे दो ट्रांजेक्शन आए कैरिज इनवॉल्व और कैरिज आउटवार्ड। देखिए चाहे कैरिज इनवॉल्व हो या कैरिज आउटवार्ड हो, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। चाहे कैरिज इनवॉल्व हो चाहे कैरिज आउटवार्ड हो, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर कैरिज इनवॉल्व और कैरिज आउटवार्ड दिए गए हैं, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट में लिखूंगा कैरिज इनवॉल्व। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? कैरिज इनवॉल्व। ओके, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है। अमाउंट है इसकी कैरिज इनवॉल्व की 1640। ठीक है, अमाउंट होगी इसकी 1640। तो मैंने अमाउंट लिख दी 1640। ओके, इसके बाद मुझे दिया गया कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरिज इनवॉल्व हो या कैरिज आउटवर्ड हो, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। तो अब मैं नेम ऑफ अकाउंट में लिख देता हूं कैरिज आउटवर्ड। क्या लिखा मैंने? कैरिज आउटवर्ड। ओके, जब मैंने कैरिज आउटवर्ड लिखा, ये भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इसको मैंने डेबिट कर दिया 3,200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, इस तरह से यहां तक के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है दी फर्नीचर।
देखिए फर्नीचर मेरे लिए असेट्स होती है। फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है? फर्नीचर हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट होता है। तो यहां पर हमें फर्नीचर दिया गया और फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। तो हमने यहां पर नेम ऑफ अकाउंट में लिखा फर्नीचर। ओके, क्लियर है बात? नेम ऑफ अकाउंट में हमने फर्नीचर लिखा, ये हमारे लिए असेट्स है तो इसे हमने डेबिट में लिख दिया 12,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है मोटर कार। देखिए मोटर कार भी हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। मोटर कार भी हमारे लिए क्या होती है? मोटर कार भी हमारे लिए असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो नेम ऑफ अकाउंट में मैंने लिखा मोटर कार। ओके, क्या लिखा मैंने? मोटर कार, और इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो असेट्स में जाकर मैंने मोटर कार असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर मैंने 80,000 रुपीज नोट कर दिए। ओके, क्लियर हुई बात? तो इस तरह से फर्नीचर और मोटर कार दोनों मेरे लिए असेट्स हैं और दोनों का बैलेंस मैंने, दोनों की अमाउंट कहां पर लिख दी जाकर? दोनों की अमाउंट मैंने डेबिट में लिख दी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी हमारा कैश इन हैंड। देखिए चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, चाहे कैश इन हैंड हो और कैश एट बैंक हो, ये दोनों हमारे लिए असेट्स होती हैं। ओके, ठीक है, यहां पर कैश इन हैंड है तो नेम ऑफ अकाउंट जो है वो है कैश इन हैंड। वो क्या है? कैश इन हैंड, और ये हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर आपने 4,700 रुपीज फील कर दिए। क्लियर बस? नेक्स्ट दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये मान लीजिए बैंक लोन, कि हमने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट की। जब मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करूं तो ये माना जाएगा कि मैंने बैंक से लोन लिया है, और यदि हम कोई लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज का बैलेंस आप सभी को पता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो सबसे पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट में जाकर लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, मैंने क्या लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट। पर आपको बताएं कि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाकर 25,400 रुपीज नोट कर दीजिए। इसी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर आपने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, जाकर लाइबिलिटीज साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाकर 25,400 रुपीज लिख दीजिए। नेक्स्ट दिया गया है जी इन्वेस्टमेंट। अब आपने बड़े ध्यान से सुनना है, यदि कभी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट आए तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो आप यहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, ठीक है, यहां पर जाकर आपने क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट में जाकर 20,000 रुपीज फील कर दीजिए। क्यों लिखा डेबिट में? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है। ओके, नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये दिया हुआ था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब था कि हमने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और जहां पर इन्वेस्ट किया था वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। वहां से हमें क्या मिला? वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब एक चीज बता दूं, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और हमें इंटरेस्ट मिला तो वो हमारे लिए इनकम होती है। वो हमारे लिए क्या होगी? इनकम। और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सबसे पहले हम गए नेम ऑफ अकाउंट्स में,
हमने वहां पर लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने वहां पर क्या लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लिया। तो यहां पर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा ये हमारे लिए इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने 2400 रुपीज। इस तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि सभी चीज हमने लिख दी है। यहाँ पर सबसे पहले आइटम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है ना जी। तो सब एक बार चेक कर लीजिए, सबसे पहले हमने स्टॉक लिख दिया डेबिट में से 28,800, उसके बाद परचेस था हमारा, परचेस को हमने डेबिट में लिख दिया कितना 82,000, उसके बाद सेल्स हमने क्रेडिट में लिख दिया 1,60,000, वेजेस को हमने डेबिट में लिख दिया 16,160, उसके बाद था सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट में लिख दिया 6,400, रिपेयर चार्जेस ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो हमने इसे डेबिट में लिख दिया 500, उसके बाद हमारा था कमीशन रिसीव हमारे लिए इनकम है तो इसमें हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया 800, डेटर्स हमारे लिए असेट्स है तो इसे हमने डेबिट में लिख दिया 24,200, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है इसलिए इसे हमने क्रेडिट में लिख दिया 7,300, कैपिटल लाइबिलिटीज मानकर क्रेडिट में लिख दीजिए 90,000, ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो डेबिट में लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक के हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक के हमारे सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट अब उधर आ जाइए, उधर सबसे पहले रिटर्न इन्वॉल्व दिया गया है, सेल्स रिटर्न है 7,500 डेबिट में लिख लिया, रिटर्न आउटवर्ड ये हमारे लिए परचेस रिटर्न है क्रेडिट में लिख लिया 5,600, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, दोनों को हम डेबिट में लिखेंगे 1,614 और 3,200। उसके बाद हमें फर्नीचर दिया गया, फर्नीचर असेट्स होती है इसलिए डेबिट में लिख दिया 12,000, उसके बाद हमें मोटर कार दी गई जो कि असेट्स होती है डेबिट में लिख दिया, ओके इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है डेबिट में लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होती है क्रेडिट में लिख दिया, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है डेबिट में लिख दिया और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम होती है क्रेडिट में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इस तरह से हमने सभी ट्रांजेक्शन अपने नोट कर लिए, ठीक है, हमने अमाउंट मैच कर ली कि हमने सभी अमाउंट सही लिखी है क्या। इतना करने के बाद अब हमें टोटल करना है। मैं आपको बता दूं जब मैंने बताया था कि टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है, दोनों तरफ का टोटल क्या आता है इक्वल आता है। हमने क्या बताया था कि जब हम टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है, तो अब आप टोटल कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इसका टोटल करेंगे, यहां पर हमने लिख दिया टोटल, ठीक, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि यदि टोटल इक्वल नहीं आता तो जो हमारा अकाउंटेंट है वो ये चेक करेंगे कि हमने कोई आइटम छोड़ तो नहीं दिया है, वो पूरी कोशिश के साथ इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं मिलता है तो फिर एक न्यूली अकाउंट ओपन करेंगे जिसे सस्पेंस अकाउंट बोला गया था, उसमें वो डिफरेंस कैरी कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। सबसे पहले डेबिट का 28,800, 82,000, 16,160, 6,400, 500, 24,200, 4,400, 7,500, 1,600, 40, 3,200, 12,000, 80,000, 4,700 और 20,000। जब आप इन पर टोटल करेंगे तो ये डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 2,91,500। इसी तरह से जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 160, 800, 7,390,000, 5,600, 25,400 और 2,400 का टोटल करेंगे तो इधर का भी टोटल 2,91,500
टोटल आ गया 291,500 रुपीज। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।